केवल शॉर्ट अपडेट आपके पर्सन की, अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। काफ़ी कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेकर, जगल कर रहे हैं दो चीज़ों में, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, प्यार बहुत करते हैं आपसे। टू ऑफ कप्स आया है, आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, आपको ही सोचते हैं कि इससे बेस्ट मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता, लेकिन इस समय काफ़ी उदास हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इसी चीज़ में काफ़ी स्टक हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन फिर से टू ऑफ सोर्ड आया है, तो किन्हीं दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, काफ़ी परेशान है। आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, प्यार बहुत है लेकिन अपना प्यार एक्सप्रेस करना नहीं आता। एट नंबर दो बार आया है, एट ऑफ वैंड्स आया है, तो आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। एट नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, हो सकता है कि आपको अलग हुए 8 मंथ हो गए हैं या 8 वीक्स हो गए हैं, या आने वाले 8 मंथ में आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं। डेविल की एनर्जी आई है, आपको लेके बहुत एडिक्शन है उनको, डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, मे बी उनको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की भी आदत हो सकती है। इससे इस समय आपसे दूर रहकर वो एन्जाइटी एंड डिप्रेशन को भी फेस कर रहे हैं। थ्री ऑफ वैंड्स आया है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और इस समय आपके पर्सन हो सकता है कि ओवरसीज़ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी।